हाँ तो दोस्तों, बिलियन में अगला टॉपिक है विसरण। तो देखिए विसरण क्या होता है, जैसे अपन इस रूम में ए वो लगाए डीओ स्प्रे करेंगे, जैसे स्प्रे करेंगे तो जो डीओ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या पूरे रूम में फैल जाएंगे। उनको किसी ने फैलाया थोड़ी है, सबसे फैल रहे हैं कि किधर, जैसे यहाँ से अपने चिड़गा वहां जो डीओ के पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन क्या थी ज्यादा, वो लास्ट वाले कॉर्नर पर क्या थी कम, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सबसे फैल रहे हैं किसके किसी भी पदार्थ की पार्टी हो, उसी क्या कहेंगे विसरण। तो विसरण किसे कहेंगे, पदार्थ के कणों या अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सौतगमन। ठीक है दोस्तों, पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सौतगमन। जैसे डी वाला एग्जांपल हो गया, एक और देख, जैसे कि जल है, क्या है जल में अपन KNO4 डालते हैं जिसको लाल दवा बोलते हैं, है तो संपूर्ण जल बैंगनी कलर का हो जाता है, रंग का हो जाता है, किस कारण, विसरण के कारण। इसमें भी क्या है, विसरण के कारण। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया विसरण का एग्जांपल। ठीक है, जैसे ही जल है उसमें अपन डालेंगे क्या, ये जल का पत्ता ले लेते हैं, इसमें KNO4 का पार्टिकल डाल दिया। ठीक है, ये है जल और ये क्या है KNO4, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, पोटेशियम पतंग है। तो इसके पार्टिकल क्या है, ऐसे जाएंगे संपूर्ण जल में, ठीक है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के लिए, इसके लिए आपको बोलते हैं विसरण। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, विसरण। अब एक क्रिया और आती है विसरण के जैसी ही, उसको बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलते हैं, प्रासरण। तो देखिए दोस्तों, प्रासरण क्या होता है, प्रासरण, तो देखिए प्रासरण दोस्तों क्या होता है प्रासरण। अब देखो प्रासरण में भी क्या है, जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, लेकिन उसके लिए एक क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। वो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स को क्या है, अपने से पार होने देती है। ठीक है, मतलब वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है, चयनात्मक पारगम्य, मतलब एक ही प्रकार के कणों को क्या करती है, अपने से होकर गुजरने देती है। जैसे कि विलायक के रूप में ले, जैसे दोस्तों अपन प्रासन को ऐसे समझते हैं कि भाई अपन ने ये ले लिया कोई पात्र, ठीक है, क्या लिया, एक पात्र, इसमें डाल दिया अपने विलियन, क्या डाल दिया विलियन, ठीक है, और एक और लिया पात्र साथ इस तो टाइप का, और इसमें लगा दिया अपने अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसमें डाल दिया अपने विलायक, क्या डाल दिया विलायक, इसमें है अपना विलायक। तो दोस्तों और ये क्या है, अपनी अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दोस्तों बनी होती है फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की, फिनोल प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है दोस्तों, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है वो फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड में होती है। तो देखिए ये विलायक होगा कि होती है, विलियन में भी विलायक के कण है, लेकिन सांद्रता किसमें ज्यादा है, विलायक में विलायक के कणों की सांद्रता ज्यादा है विलियन की तुलना में, तो किधर जाएंगे विलायक के कण, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसको क्या कहेंगे, इससे इस क्रिया को ही क्या कहेंगे अपने, परासरण। ठीक है, तो परासरण किसे कहेंगे, विलायक के रूप में ले दो, विलायक के कणों का अपनी
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन से गमन को प्राशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राशन किसे कहेंगे? विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन। ठीक है, किसे कहेंगे? विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन को ही क्या कहेंगे? प्राशन। अब प्राशन को दोस्तों इस प्रकार से भी कहते हैं, और विलयन के लिए एक ले, जैसे कि भाई दो विलयन ले ले और उनमें प्राशन की क्रिया देखें, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों इस प्रकार की एक नलिका लेते हैं, देखो यू आकार की नलिका है, यू आकार के पात्र ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे अपन फिट कर देते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अपनी मान लो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक और ये विलयन है, ठीक है, और एक और दूसरा विलयन है, और यहां पे दोनों पे पिस्टन लगे हुए हैं जो ताल के लिए। ठीक है, इसको मान लो P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, P1 और P2। ठीक है, तो ये विलयन है, ये भी विलयन है, इसकी सांद्रता मान लेते हैं कम। ये क्या है? कम सांद्रता वाला विलयन। ठीक है दोस्तों, और ये है अपना अधिक सांद्रता वाला, अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या लेते हैं? एक यू आकार का पात्र लेते हैं जिसके अंदर क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। ठीक है, दो विलयन डालते हैं, एक तो कम सांद्रता वाला, एक अधिक सांद्रता वाला। अब अपन को पता है कि कम सांद्रता वाला विलयन है तो उसमें विलय के कण क्या है, विलय की मात्रा क्या है कम, तो विलायक की मात्रा क्या है, विलायक की सांद्रता क्या होगी इसमें, सांद्रता इसमें क्या होगी, ज्यादा, अधिक ही तो होगी। और जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है इसमें विलायक की सांद्रता क्या होगी, इसकी तुलना में क्या होगी, कम। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब इसमें प्राशन की क्रिया होगी तो कह किधर जाएगी विलायक के कण, ये सांद्रता क्या है, अधिक है, सॉरी अधिक, ठीक है, विलायक की सांद्रता कम, सांद्रता वाले विलयन में विलायक की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा, अधिक सांद्रता वाले में विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम, तुलना में। तो इसमें विलायक के कण ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा, तो किधर जाएगा विलायक के कण, अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ऐसे ही तो जाएगा। तो भाई विलायक की परिभाषा, विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से, तो इधर जाएंगे ना कण प्राशन की क्रिया के द्वारा। तो देखो विलयन के रूप में क्या बोलेंगे, विलायक के कणों का ये सांद्रता कौन सा विलयन है, निम्न सांद्रता या कम सांद्रता वाला विलयन। ठीक है, और ये क्या है, अधिक सांद्रता वाला, इधर ही जा रहे हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन, इससे अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो एक परिभाषा दी होगा, विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन क्या होगा, प्राशन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में दूसरी परिभाषा क्या ले सकते हैं, विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की
और आर्दे पार जम्मे झिल्ली से गमन से गमन क्या कहलाएगा प्रासन। तो प्रासन की जगह विलाय के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन ही क्या कहलाएगा अपना प्रासन। ठीक है, दूसरा कैसा विलाय के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन। विशेषण क्या था, पदार्थ के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर सौत्य गमन। ठीक है, तो ये क्या था विसरण प्रासन। विसरण की परिभाषा अभी प्रासन की विलायक के रूप में और विलयन के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब अगला टॉपिक आता है इसमें प्रासरण दाब। क्या आता है प्रासरण दाब। तो देखो दोस्तों, इसी में इसी जो डायग्राम इसी जो चित्र इसमें अपन प्रासरण दाब को समझेंगे। प्रासरण दाब, ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है प्रासरण दाब। देखो दोस्तों, ये जो प्रासरण की क्रिया हो रही है दोनों विलयनों में, तो इस क्रिया के दौरान अगर अपन बाह्य दाब दे रहा है पिस्टन से प्रासरण के विपरीत, जब प्रासरण के क्रिया के दौरान या प्रासरण के क्रिया के दौरान प्रासरण की दिशा के विपरीत जो बाह्य दाब लगा है, जो इस को दाब लगाते हैं मतलब प्रासरण की क्रिया चल रही है, एक स्टेज पर यह प्रासरण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। उस जिस स्टेज पर यह प्रासरण की क्रिया रुक जाए, उस टाइम पे जो दाब होगा उसको क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब दोस्तों किसे कहेंगे कि प्रासरण की क्रिया के दौरान विलयन पर, विलयन पे लगा रहे हैं, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जिससे प्रासरण की क्रिया रुक जाए उसे क्या कहेंगे, प्रासरण दाब। ठीक है दोस्तों, तो प्रासरण दाब किसे कहेंगे दोस्तों, प्रासरण की क्रिया के दौरान विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जिससे प्रासरण की क्रिया रुक जाए, प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रासरण दाब किसे कहेंगे, जैसे कि ये प्रासरण इधर विलाय के कणों का कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता की ओर गमन हो रहा है, तो जो उच्च सांद्रता वाला विलयन है उस पर क्या लगाएंगे, बाह्य दाब, जिससे क्या प्रासरण की क्रिया क्या हो जाए, भाई इसे इधर दाब लगाएंगे तो कणाड़े क्या जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो क्या है, प्रासरण की क्रिया के दौरान विलयन, और विलयन भी कौन सा, उच्च सांद्रता वाले पर लगा रहे हैं, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जिससे प्रासरण की क्रिया रुक जाए उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। और इस प्रासरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया अपना प्रासरण दाब की परिभाषा, क्या होगी कि प्रासरण की क्रिया के दौरान विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जिससे प्रासरण की क्रिया रुक जाए। अब दोस्तों, अब ये अपन जो पिस्टन से बाह्य दाब लगा रहे हैं, प्रासरण की क्रिया जिस दाब पे प्रासरण की क्रिया रुक गई उसको तो प्रासरण दाब कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन दाब लगाएंगे तो क्या होगा, जो विलायक के कण है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली सिर्फ विलायक के कणों को गुजारती है अपने से, तो जो ये विलायक के कण है ना, ये इधर से इधर जाना शुरू हो जाएंगे, इस साइड में पहले भी दरारे थे, ठीक है, आपके कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, या अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की। अब ये जो दाब है ना, प्रासरण दाब के से भी अधिक दाब लगाते तो ये कण भी दचले जाएंगे अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो उस दाब को क्या कहेंगे, व्युत्क्रम प्रासरण, या उस जो प्रक्रिया को क्या कहेंगे, व्युत्क्रम प्रासरण। तो व्युत्क्रम प्रासरण किसे कहेंगे दोस्तों, व्युत्क्रम प्रासरण। ठीक है दोस्तों, देखो व्युत्क्रम प्रासरण किसे कहते हैं, क्या है, विलयन पर लगाया गया
वह भय दाब जिससे क्या है विलायक के कण अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग गए, मतलब प्रासन की क्रिया के विपरीत गमन करने लग जाए, उसे क्या कहेंगे व्युत्क्रम प्रासन। व्युत्क्रम प्रासन में क्या होता है विलायक के कण है ना जो जो प्रासन की क्रिया में गमन करते हैं ना उसके विपरीत गमन करने लग जाते हैं, मतलब अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है व्युत्क्रम प्रासन। व्युत्क्रम प्रासन क्या कहेंगे विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिस पर विलायक के कण परासरण क्रिया के विपरीत अर्थात अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाए उसे क्या कहेंगे व्युत्क्रम प्रासन। कहते हैं ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिस पर विलायक के कण प्रासन की क्रिया के विपरीत दिशा में या अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाए उसे क्या कहेंगे व्युत्क्रम प्रासन। ठीक है दोस्तों, तो व्युत्क्रम प्रासन भी समझ में आ गया, विलयन का पर लगाया गया वह भाई दाब जिस पर विलायक के कण प्रासन की क्रिया के विपरीत अर्थात अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाए उसे क्या कहेंगे व्युत्क्रम प्रासन। तो देखो दोस्तों तीन क्रम आई, एक तो क्या विसरण, विसरण पदार्थों के कणों का अपनी उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर सत्यगमन। फिर आया प्रासन, प्रासन में क्या हुआ कि विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन। ठीक है दोस्तों, या विलयन के रूप में क्या था विलायक के कणों का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन। ठीक है, इसके बाद में प्रासन दाब आया, प्रासन दाब क्या था विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिस पर प्रासनिक क्रिया रुक जाए ठीक है उसे क्या कहेंगे प्रासन दाब, जिसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आया क्या व्युत्क्रम प्रासन, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिससे विलायक के कण अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करने लग जाए या जिससे विलायक के कण प्रासन की क्रिया के विपरीत दिशा में गमन करने लग जाए व्युत्क्रम प्रासन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो प्रासन दाब के आधार पर है ना विलयन, विलयन जैसे दो विलयन लें उनका कंपैरिजन करें तो उनके आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समप्रासारी विलयन, एक होता है अल्पप्रासारी विलयन और एक होता है अति प्रासारी विलयन। देखो जो अपना प्रासन दाब है उसके आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। एक तो मान लेते हैं अपन तीन है, पहला है संप्रासारी या संप्रासारी बोलते हैं संप्रासारी विलयन। इसमें क्या होता है कि भी ऐसा विलयन जो अपने से जो कंपैरिजन वाला विलयन उसके
उसका और जो जो कंपेरिजन वाला विलियन है उसका प्राशन दाब क्या हो, समान। तो क्या कहेंगे, ऐसा विलियन जिसका किसी अन्य विलियन के सापेक्ष प्राशन दाब का मान क्या हो, समान, वो क्या कहलाएगा, समप्रासारी। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऐसा विलियन जिसका अन्य विलियन के सापेक्ष प्रसरण दाब का मान समान हो, प्रसरण दाब का मान समान हो, समप्रासारी विलयन कहलाता है, समप्रासारी विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे भाई ये ले ले, एक विलयन ये है विलयन फर्स्ट, और दूसरा क्या लेते हैं, ये विलयन ले ले, इसको अपन मान लेते हैं विलयन सेकंड। ठीक है, इन दोनों का प्रासरण दाब, इसका मान लेते पाई और इसका क्या मान लेते हैं, पाई टू, दोनों का मान बराबर है तो ये क्या कहलाएंगे, समप्रासारी विलयन। किसे कहेंगे, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष क्या हो, समान प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, समप्रासारी विलयन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला है अल्प प्रासारी विलयन या अल्प प्रासरणी विलयन। देखिए दोस्तों क्या होता है अल्प प्रासारी विलयन, ये जस्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग, अल्प प्रासारी विलयन, इसमें क्या होगा, जैसे मैं दो विलयन ले, उसमें एक विलयन, एक का विलयन, एक का प्रासरण दाब ज्यादा और एक का क्या हो, कम, तो जो कम वाला विलयन है उसको क्या कहेंगे, कम प्रासरण दाब वाले विलयन को अल्प प्रासारी विलयन, और अधिक प्रासरण दाब वाले विलयन को क्या कहेंगे, अति प्रासरणी विलयन, अति प्रासारी विलयन। तो क्या कहेंगे, अल्प प्रासारी विलयन, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष क्या हो, कम हो, उसको तो क्या कहेंगे, अल्प प्रासारी, और दूसरा जो अति प्रासारी उसको क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष क्या हो, अधिक हो। तो देखो इस दोनों प्रमुख को एक साथ पढ़ेंगे, देखो क्या है, ऐसा विलयन जिसका प्रासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष कम हो, अल्प प्रासारी या अल्प प्रासरणी विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ले लेते हैं अपन, एक तो ये है विलयन फर्स्ट, और एक ये ले लेते हैं ये विलयन सेकंड, इसका पाई टू मान लेते हैं, इसका पाई वन, अगर ये पाई वन, पाई टू का मान क्या हो, ज्यादा, पाई टू को मान क्या हो, ज्यादा, तो इस विलियन का, इस विलियन को क्या कहेंगे, अल्प प्रासारी विलियन। ठीक है, और अति प्रासारी किसे कहेंगे, ऐसा विलियन जिसका प्रासरण दाब अन्य विलियन के सापेक्ष क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या कहेंगे, अति प्रासारी, तो इसको क्या कहेंगे भाई, इसका इस विलियन के सापेक्ष प्रासरण दाब क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, अति प्रासारी विलयन। ठीक है दोस्तों, परिभाषा क्या होगी, ऐसा विलयन, विलयन जिसका प्रासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष अधिक हो, अधिक हो, अति प्रासारी विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम हो गई क्या, अल्प प्रासारी, अति प्रासारी, समप्रासारी,
संप्रासारी ऐसे अवलयन जिसका अन्य विलयन के सापेक्ष प्राशन दाब समान है, ठीक है। अति प्रासारी ऐसा अवलयन जिसका अन्य विलयन के सापेक्ष प्राशन दाब समान क्या हो, ज्यादा अधिक हो। ऐसा अवलयन जिसका अन्य विलयन के सापेक्ष प्राशन दाब समान कम हो, और अल्प प्रासार, ठीक है दोस्तों। ये प्राशन दाब विसरण हो गया, प्राशन हो गया, प्राशन दाब हो गया, और विक्रम प्राशन हो गया, और क्या है अल्प प्रासारी अति प्रासारी संप्रासारी विलयन हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है प्राशन दाब की गणना, जो कि विलयन का अनुसंग गुणधर्म था ना, उसमें जो डेरिवेशन आएगा वो प्राशन दाब की गणना। देखो दोस्तों बड़ा सरल है प्राशन दाब की गणना, प्राशन दाब की गणना। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों अपन को पता है आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर होता है nRT, ठीक है दोस्तों। ये क्या है अपना आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आदर्श गैस समीकरण। अब अपन को पता है अपन को क्या लेना है प्राशन दाब, तो प्राशन P क्या है इस दाब की जगह पर क्या लें प्राशन दाब, तो क्या है यदि P बराबर क्या हो पाई, तो क्या हो जाएगा पाई बराबर क्या हो जाएगा भैया एन आर टी, ठीक है ना, ठीक है क्या दोस्तों समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब अगर दोस्तों समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां से अपने पाई का मान निकाले तो क्या हो जाएगा पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, ठीक है दोस्तों हो गया ना। अब दोस्तों एन अपॉन वी तो एन बराबर क्या मोल है ना, मोल बटा आयतन की क्या होता है सांद्रता की इकाई होती है, सांद्रता ही तो होती है, तो एन अपॉन वी बराबर क्या होगा सी, जिसको क्या बोलते हैं सांद्रता, ठीक है दोस्तों। ये यहां पे ऐसे लिख सकते हैं पाई बराबर एन अपॉन वी की जगह सी आर टी, ठीक है दोस्तों। अगर अब अपन को ये भी पता है दोस्तों एन अपॉन वी मोल है, मोल बराबर क्या होगा भार बटे अणु भार, ठीक है अपॉन वी, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई बराबर देखो पाई बराबर एन, एन बराबर क्या है विलय का भार बटा विलय का अणु भार हो जाएगा, तो विलय का भार या द्रव्यमान डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणा वी है और ऊपर क्या है आर टी, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास क्या गया प्राशन दाब का फॉर्मूला, इसमें विलय के अनुभार में संबंध भी बोल सकते हैं, इसको आगे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। देखो इस पाई को इधर लेके आए तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए आर टी अपॉन पाई गुणा वी, ठीक है दोस्तों। यहां पे अपन को पता है एम ए बराबर क्या है विलय का अणु भार, ठीक है दोस्तों, पाई बराबर प्रसरण दाब, ठीक है, आर बराबर क्या है गैस नियतांक, और टी बराबर क्या है तापमान, और वी बराबर क्या है आयतन इसका विलयन का, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया अपने अनुसंख्यक के गुणधर्म पूरे हो गए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ, तो दोस्तों पहला न्यूमेरिकल है इसमें किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना बार है 0.850 बार, ठीक है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को, क्या है अवाष्पशील विलय, तो ये विलय का क्या हो गया द्रव्यमान हो गया, ठीक है दोस्तों, को ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, तो ये क्या हो गया विलायक का क्या हो गया भार हो गया, ठीक है, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया, ठीक है, घोला गया
प्राप्त विलयन का वास्ता, तो विलयन का वास्ता क्या प्राप्त हो गया 0.845 बार है। विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं या इसको विलय का अणुभार भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अपन के पास क्या निकलवा रहा है, विलय का अणुभार, ठीक है। तो अपन जब भी न्यूमेरिकल निकालते हैं तो क्या है जो दिया हुआ है वो देखेंगे पहले, तो क्या क्या दिया हुआ है भाई। एक तो क्या दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है। डब्ल्यू बी भी दे रखा है, डब्ल्यू बी है 39 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में क्या दे रखा है आपको, पी नोट दे रखा है और पी नोट पी भी दे रखा है, विलयन का वास्ता भी दे रखा है, ठीक है भाई। आपको क्या देखा है, और जो अपना विलय क्या है बेंजीन, तो बेंजीन का अणुभार भी अपन को पता है क्या होता है कि भाई बेंजीन का अणुभार होता है 73, ठीक है। तो ये भी अपन लिख लेंगे, इसको क्या इससे लिखे एम बी से, बेंजीन का अणुभार होगा 78, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और क्या देखा है आपको, पी नोट दे रखा है विलय का, जिसको क्या बोलते हैं अपन विलय का वास्ता, कितना दे रखा है 0.850 बार, ठीक है दोस्तों। और पी क्या है विलय विलयन का भी जो वास्ता दे रखा है कितना 0.845 बार, ठीक है दोस्तों। ये चीजें दे रखी है, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है एम ए विलय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो देखो अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसे, क्या फॉर्मूला है एम ए बराबर डब्ल्यू ए गुणा एम बी, ठीक है दोस्तों, गुणा पी नोट, ठीक है। ये पी नोट बोलते रहेगा ना, और नीचे क्या जाएगा डब्ल्यू बी, ठीक है। और क्या हो जाएगा अपना ये P नोट माइनस P, क्योंकि भाई ये था अपना जो फॉर्मूला क्या था, P नोट अपॉन P नोट माइनस P अपॉन P इक्वल टू डब्ल्यू ए गुणा अपॉन एम बी, और ऊपर क्या था नीचे डब्ल्यू बी ऊपर एम बी, और क्या यही तो था फॉर्मूला, इसको इधर करने पर आ जाएगा एम ए का मान, ठीक है। अब इन्हें वहां रख देंगे, पहले डब्ल्यू ए का मान क्या है दोस्तों 0.5 ग्राम, ठीक है। एम बी का है 39 ग्राम, ठीक है। पी नोट का कितना है 0.85, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में नीचे क्या करेंगे अपने डब्ल्यू बी, अब डब्ल्यू बी का मान के डब्ल्यू बी, अरे भाई एम बी का मान कितना है, एम बी मतलब जो अपना विलायक है उसका अणुभार ये है 78, कितना है 78, ठीक है दोस्तों। कितना मान है 78, और नीचे डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी का अणुभार जो द्रव्यमान कितना है 39 गुणा में क्या जाएगा पी नोट, पी नोट का मान कितना है दोस्तों 0.850 माइनस 0.845, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या जाएगा जीरो, देखो भाई इसमें से ये घटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा और 0.05 आ जाएगा आंसर, और इनको सभी को अपन सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपन क्या करते हैं सोल्व, तो इनको जैसे ही सोल्व करते हैं तो जो अपना एम ए है, एम ए इसका मान आ जाता है 170 ग्राम। देखो दोस्तों फिर से देखते हैं क्या है, दे रखा क्या है भाई, क्या शुद्ध बेंजीन का वास आप दे रखा है, बेंजीन इसमें क्या है विलायक, ठीक है। और क्या है इतना एवास्पशील विलयक, कितना 0.5 ग्राम एवास्पशील विलयक जो क्या है ठोस को किसमें 39 ग्राम किसमें मिला रहे हैं बेंजीन में, तो ये क्या है विलय का क्या है द्रव्यमान, या इसको भार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है विलय का द्रव्यमान, ठीक है गोला गया। प्राप्त विलयन का वास्ता, विलयन का वास्ता भी दे रखा है आपके पास, तो मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है विलय का मतलब विलय का अणुभार, ठीक है।
ठीक है, तो ये डब्ल्यू ए 0.5 ग्राम हो जाएगा, डब्ल्यू बी 40 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, एम में क्या जाएगा 78 हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन का क्या होता है 78, जो क्योंकि उसमें 6 तो क्या होते हैं कार्बन, एक कार्बन का 12, 12 6 72, और 6 क्या होते हैं हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, तो 6 हो जाएंगे 72 6 78 हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये क्या है विलायक का अपना क्या है वास्तव 0.850 बार, और विलयन का होता है 0.845 बार एमए निकालना है, इस फॉर्मूले से अपन क्या कर लेंगे पूरा एमए निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल है बेंजीन का क्वथनांक, क्या लिखा है बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है अपने, कितना 353.23 केल्विन। एक अवाष्पशील विलेय जिसका क्या है अवाष्पशील विलेय 1.80 ग्राम, तो क्या हो गया अवाष्पशील विलेय का क्या हो गया ये क्या हो गया द्रव्यमान, ठीक है, डब्ल्यू ए प्राप्त हो गया हमको, को कितने 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, किसमें घोलने हैं 90 ग्राम बेंजीन, तो ये डब्ल्यू बी प्राप्त हो गया क्या विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, घोलने पर। विलयन का क्वथनांक कितना जाता है 354.11 ठीक है, मतलब ये क्या है विलयन का क्वथनांक प्राप्त हो गया, ये क्या है विलेय का क्वथनांक, ठीक है, तो दोनों से अपन क्या निकालेंगे क्वथनांक उन्हें निकालेंगे, ठीक हो जाता है। तो विलेय का अनुभार निकालना है ज्ञात करो, और अपन को क्या केयर दे रखा है, ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्हें स्थिरांक, इसकी इकाई हमेशा क्या होती है के केजी मोल यूनिट, मोलल क्वथनांक उन्हें स्थिरांक की भी यही इकाई होती है, और जो अपना अगला जो है क्या है हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक दोनों की इकाई क्या है केजी मोल यूनिट, ठीक है, तो इसका मान देखा है 2.53 केजी मोल यूनिट, ठीक है, तो आप लोग को दे रखा क्या है देखो और निकालना क्या है, तो देखो दोस्तों अपन को दे रखा है डब्ल्यू ए दे रखा है, डब्ल्यू ए का मान है 1.80 ग्राम, डब्ल्यू बी भी दे रखा है, डब्ल्यू बी का नाम क्या है 90 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन को के एफ दे रखा है, के एफ कितना है 2.53 के जी मोल इनवर्स, के जी मतलब बिलियन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद में अपन को क्या है ये विलाय का क्या दे रखा है क्वथनांक दे रखा है, ठीक है, विलाय का क्वथनांक, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल देंगे टी बी नोट का मान क्या है 353.23 केल्विन, और दोस्तों टी बी मतलब विलयन का क्वथनांक कितना है 354.11 केल्विन, तो अपन को क्या निकालना है डेल्टा टी बी मतलब क्वथनांक उन्नयन, ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी क्या होता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलाय का क्वथनांक, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23 बराबर हो जाएगा 0.88 के, ठीक है दोस्तों। तो अपन आपको निकालना क्या है भाई एमए, एमए का मान आपको निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे फॉर्मूले एमए बराबर होता है क्या है डब्ल्यू ए, ठीक है दोस्तों, गुणा 1000 और सॉरी के एफ भी आएगा के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू बी, ठीक है। अब अपन वहां कर देंगे सभी के केएफ का मान कितना है 2.53, ठीक है, डब्ल्यू ए का मान 1.80 गुणा 1000 बटे डेल्टा टीबी का मान क्या है 0.88 गुणा डब्ल्यू बी का मान अपन को दे रखा है कितना 90, ठीक है दोस्तों। अब इनको जैसे ही सोल्व करेंगे तो दोस्तों जैसे इनको सोल्व करेंगे तो एम ए का मान आ जाएगा अपने पास, और इनको सोल्व करते हैं तो आ जाता है 58 ग्राम एम ए का मतलब विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान हमने को क्या प्राप्त हुआ 58 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो देखो फिर से देखते हैं क्या दे रखा है बेंजीन का क्वथनांक दे रखा है, तो अवाष्पशील विलेय का क्या है अवाष्पशील विलेय 0.80 ग्राम है, को किसे 90 ग्राम बेंजीन में बोलते हैं,
तो एवास भी मिले का द्रव्यमान दे रखा है, बेंजीन का विलायक का द्रव्यमान दे रखे हैं, ठीक है। विलयन का क्वथनांक हो जाता है कितना, 364.11 केल्विन, ठीक है। विलेय का है वो भाग की गणना करो, क्या किसका एमए का मान निकालना है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है आपको, के एफ भी दे रखा है, तो क्या दे रखा है, डब्ल्यू 1.80 ग्राम दे रखा है, डब्ल्यू बी 90 ग्राम दे रखा है, के एफ दे रखा है 2.53 केजी मोल इनवर्स, ठीक है। टीबी नोट दे रखा है कितना, 353.23 केल्विन, टीबी दे रखा है 354.11 केल्विन, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, 354.11 माइनस 353.23, ठीक है दोस्तों। इसको जैसे ही इसमें से ये घटाएंगे तो क्या जाएगा, 0.88 केल्विन प्राप्त हो जाएगा अपन को। इसमें रख देंगे सूत्र में, एम ए बराबर के एफ गुना डब्ल्यू ए गुना 1000 बटे डेल्टा टीबी गुना डब्ल्यू बी, ठीक है दोस्तों। इससे फिर ये सोल्व करने के लिए क्या जाएगा, 58 ग्राम, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल है, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थिलीन, इसमें 1000 ग्राम नेप्थिलीन में घोलने पर हिमांक अवनमन का मान कितना प्राप्त होता है, 0.68 केल्विन पाया गया। तो सल्फर का अनुसूत्र क्या करना है दोस्तों, अपन को क्या है, अपन के पास क्या देखा है भाई, डब्ल्यू ए दे रखा है, डब्ल्यू बी भी दे रखा है, और क्या है डेल्टा टी एफ भी दे रखा है, और के एफ भी दे रखा है। देखो दोस्तों कितना, 6.8 केजी मोल इनवर्स। अपन को क्या निकालना है, सल्फर का अनुसूत्र। सल्फर के अनुसूत्र के से पहले अपन को क्या करना है, इसमें टोटल एमए का मान निकालना है, द्रव्यमान जो किसका जो अनुसूत्र निकालना है, ठीक है, सॉरी अणुभार निकालना है इसका विलय का, उसके बाद में सूत्र निकालेंगे। देखो तो क्या दे क्या रखा है इसमें अपन को, डब्ल्यू ए दे रखा है 25.6 ग्राम, मतलब सल्फर का क्या है द्रव्यमान, ठीक है। सल्फर इसमें क्या है विलय, और नेप्थिलीन क्या है विलायक, तो डब्ल्यू बी अपन डब्ल्यू बी लिखते हैं विलायक को और का द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए से अपन लिखते हैं क्या जो अपना क्या है विलय का द्रव्यमान, अपनी बुक में क्या है इसमें विलय का डब्ल्यू बी दे रखा है और इसका विलायक का डब्ल्यू ए से लिख रखा है। दोस्तों मेरे थोड़ा सा सूट नहीं आता तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा अपना, 1000 ग्राम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन को क्या लिखा है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक अवनमन कितना दे रखा है, 0.68 केल्विन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन को क्या दे रखा है, के एफ भी दे रखा है, क्या दे रखा है के एफ, के एफ बराबर क्या हो जाएगा, 6.8 के क्या है, 6.8 के जी मोल इनवर्स, ठीक है दोस्तों। अपन को निकालना है क्या है, एम ए, एम ए का फॉर्मूला वो क्या होता है, देखो दोस्तों एम ए इक्वल टू के एफ गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000, ठीक है, अपॉन हो जाएगा डेल्टा टी एफ गुणा डब्ल्यू बी, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब देखो इसको मान रखते हैं, इसका क्या है 6.8 गुणा डब्ल्यू ए 25.6 गुणा 1000, ठीक है दोस्तों। डेल्टा टी एफ का मान कितना है, 0.68 गुणा जो डब्ल्यू बी था, डब्ल्यू बी का मान है 1000, ठीक है दोस्तों। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और ये जैसे कि यहाँ पे भाई इनको काटें तो ऊपर क्या जाएगा, एक 10 चला जाएगा ऐसे, भाई इनको 6.8 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मान क्या जाएगा, 256 ग्राम, ठीक है दोस्तों। ये क्या आया अपना एमए, एमए का मान क्या गया, 256 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अब अपन को सल्फर का सूत्र निकालना है, अपन को पता है सल्फर क्या होता है, एस एस, ठीक है। और सल्फर का जो अणुभार होता है ये भी अपन को पता है दोस्तों, कितना होता है 32, सल्फर का अणुभार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है 32, ठीक है। तो इसका अनुसूत्र निकालना है, तो इसको अपन मान सकते हैं कि भाई एस एक्स, ठीक है, कि सल्फर के कितने परमाणु है एस एक्स बराबर किस तरह होगा, 256, और अपन को पता है दोस्तों कि सल्फर का क्या होता है 32, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है, तो इसमें क्या है 32 का क्या चला जाएगा भाग, जो ही क्या जाएगा एक्स। तो दोस्तों एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 256/32,
और इसको सोल्व करते हैं तो आठ आता है। तो दोस्तों x का मान क्या गया है आठ, तो सल्फर का अणु सूत्र क्या जाएगा ऐसे एट, सल्फर का अणु सूत्र क्या जाएगा ऐसे एट। ठीक है दोस्तों, देखो वेयर क्या रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है 25.6 ग्राम सल्फर का द्रव्यमान विलय है इसमें। ठीक है, डब्ल्यू बी भी दे रखा है 1000 ग्राम, ये क्या है इसमें विलायक नेप्थिलीन। ठीक है, डेल्टा टी एफ भी दे रखा है हिमांक और 0.68 केल्विन। ठीक है, के एफ 6.8 के जी मोल। एम ए निकालना है हमको, एम ए पहले तो एम ए निकालेंगे, एम ए में जो इनका सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या 256 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये सल्फर के जो सूत्र है उसका अनुभार आ गया दोस्तों, अपना अपन को क्या निकालना है सल्फर का सूत्र। अब अपन को पता है सल्फर का अनुभार 32 होता है, तो एस एक्स बराबर क्या 256, एक्स बराबर क्या जाएगा इसमें 32 है तो यहाँ पे लिख दें एस की जगह 32। ठीक है दोस्तों, और 256/32 बराबर 8 हो जाएगा, तो सल्फर का सूत्र क्या जाएगा एस 8। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल है 27 ग्राम यूरिया, क्या देखा है 27 ग्राम यूरिया के m by 10 बिलियन का प्राशन दाब ज्ञात करो। तो दोस्तों अपन को क्या देखा है भाई, जो यूरिया कितने दे रखा है 27 ग्राम। ठीक है, और जो अपना इसका विलियन भी दे रखा है कितना 27 ग्राम नहीं है 27 केल्विन होता है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, 27 डिग्री 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है दोस्तों, क्या है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के एम वाई टू विलियन का प्राशन दाब ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कभी भी इसको डिग्री सेल्सियस में ना लेकर क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं हमेशा केल्विन में। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसे लिख लेना पे या 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, दूसरा क्या देखा है सांद्रता दे रखी है, सांद्रता सी, सी बराबर क्या दे रखा है एम बाई टेन मतलब 1/10 मोल। ठीक है, हो गया। अब सुनो सी भी दे रखा है अपन को, टी भी दे रखा है, और अपन को आर का अपन को पता ही है आर क्या होता है भाई गैस नियतांक, क्योंकि ये चीजें अपन को चाहिए फॉर्मूले में दोस्तों, क्या फॉर्मूला क्या होता है पाई बराबर सी आर टी। ठीक है, तो आर क्या है गैस नियतांक, और गैस नियतांक का मान क्या होता है 0.8821 लीटर। ठीक है दोस्तों, और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी क्या होती है यूनिट 0.0821 यूनिट क्या होती है एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है दोस्तों, इनका मान अपन इसमें पुट करेंगे तो इसका मान देखो सी 1/10 गुणा 0.0821 गुणा 300, ये अपन के पास क्या आ जाएगा पाई, पाई का मान। ठीक है दोस्तों, ये क्या जाएगा अपन के पास है पाई का मान। तो दोस्तों इनको जो सोल्व करेंगे अपन तो मान आएगा 2.46 एटीएम पाई का मान। ये हो गया अपन का क्या है प्राशन दाब। देखो दोस्तों क्या है इसमें दे क्या रखा है तापमान दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन कन्वर्ट करते 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सांद्रता दे रखी है मतलब सी दे रखी है 1/10 मोल। ठीक है, और गैस नियतांक भी दे रखा होता है या नहीं तो ये अपन को क्या है याद रखना पड़ता है, ये तो क्या है 0.0821 लीटर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, पाई का मान निकालना है, फॉर्मूला है पाई का सी आर टी से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, हाँ तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल इसमें 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का संप्रासारी है, तो ए का अनुभार याद करो। तो देखो दोस्तों क्या देखा है इसमें कि भाई 4% यूरिया विलयन है ना, कोई अन्य विलयन है जिसमें कार्बनिक यौगिक क्या है ए, उसका 12% विलयन का क्या है संप्रासारी। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई
4% यूरिया विलयन का परासरण दाब, इसको अपन मान लें पाई वन, ठीक है, किसके बराबर है, ए ये है कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का परासरण दाब, इसको दोस्तों अपन ले लें पाई टू से। क्या बताया गया कि वे 4% यूरिया विलयन का परासरण दाब बराबर कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का परासरण दाब, ये अपन को दे रखा है इसमें, है ना, कि वे 4% यूरिया विलयन का परासरण दाब किसके बराबर है, कार्बनिक यौगिक ए के 12%, इसको पाई वन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं पाई टू, तो दोनों का मान क्या हो गया पाई वन बराबर क्या है पाई टू, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है दोस्तों, इसमें जो ए है ना, इसका क्या निकालना है, अणु भार, क्या निकालना है, ए का अणु भार, ठीक है, क्या निकालना है भाई, ए का अणु भार निकालना है, ठीक है दोस्तों। अपन को पता ही है पाई बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए आर टी अपॉन एम ए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके अनुसार पाई वन बराबर क्या होगा, बोलो पाई वन, तो दोस्तों डब्ल्यू ए यूरिया का क्या मान लेंगे, पाई वन निकालें, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, इससे यूरिया के लिए डब्ल्यू ए क्या होगा, 4%, इसको मान लें अपन भाई 4 ग्राम मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो अपना ये है ना दोस्तों, क्या है ये, अरे भाई अपना जो ये है ना उसको मान लेंगे 100 मान लेंगे, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे अपने वो कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, भाई जो अपना विलयन है ना उसको क्या मान लेंगे, सो इसमें एक वी और आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पाई बराबर डब्ल्यू ए एम ए आर टी अपॉन वी, तो भाई अपन जैसे कि इस विलयन को अपन 100 ग्राम मान लें, क्या मान लें 100 ग्राम, तो यूरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक है, तो अपन इसको क्या कर लेंगे 4 × r और t, ठीक है, और अपन को पता है ये क्या हो गया, v क्या हो गया 100, ठीक है दोस्तों। अब 100 ग्राम आ गया, तो अपन को ये भी पता है कि जो विलयन है उसमें 100 की मात्रा आ गई, तो ऊपर क्या जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन को पता है कि यूरिया का जो क्या है अणुभार वो कितना होता है 60, कितना होता है 60 का अणुभार कितना होता है दोस्तों 60, क्यों होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है दोस्तों, H का 2 दोनों का, इसका भी 2, इसका 7 14, ठीक है दोस्तों, इसका भी 14, इसका 12 और इसका 16, इन सभी को योग करते हैं, देखो 16, ठीक है दोस्तों, और फिर से 16 दो 32 और फिर से 16 48 से 12 कितने देंगे 60, ठीक है, तो क्या यू जाएगा अनुभार कितना आएगा 60, तो क्या जाएगा पाई वन बराबर 4/60 आर टी भाई 4 × r t × 1000/60 × 100, इसी प्रकार अपन दोस्तों क्या करेंगे पाई टू का मान निकालेंगे, पाई टू में भी क्या निकालेंगे, 12% दे रखे हैं तो इसकी जगह 12 रख देंगे, 12 ग्राम मान लेंगे, फिर आर टी गुना 1000/ इसका अपन को निकालना है, ये ठीक है दोस्तों, ये निकालना है एक और ये क्या जाएगा 100, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया दूसरे के पाई टू का, तो 12 × r t × क्या हो जाएगा 1000, ठीक है, इसका मान अपन को निकालना है, अपन को पता है पाई वन बराबर, क्योंकि पाई वन बराबर क्या था पाई टू, तो इसको अपन आगे ऐसे भी लिख देते ना 4 × r t × 1000 × 60 × 100 बराबर क्या हो जाएगा 12 × r t ×
हजार बटे एम ए गुणा सौ। ठीक है दोस्तों, अब ये सारा इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखो क्या है भाई, ये सारी इधर चली जाएंगी और ये किधर चली जाएंगी, नीचे की ओर। तो मतलब आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, हजार से हजार कैंसिल हो जाएगा, सौ से सौ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या अपना, चार बटे साठ। ठीक है, और क्या बचेगा, एम ए। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा, एम ए। ठीक है, अब इनको अपन सोल्व करेंगे तो एम ए का मान निकालेंगे, और ये बारह बचेगा तो भी क्या बचेगा, अपन को एम ए निकालना है, एम ए। तो क्या हो जाएगा, देखो बारह गुणा साठ बटे चार, चार दिए बारह, छह दिए अठारह, क्या जाएगा, एक सौ अस्सी। जो कार्बनिक यौगिक ए था उसका अणुभार क्या प्राप्त हो गया अपन को, एक सौ अस्सी। देखो दोस्तों क्या क्या रेखा है, व्यवस्थित रेखा है, चार प्रतिशत यूरिया विलयन है। ठीक है, अन्य कार्बनिक यौगिक ए के बाद प्रतिशत विलयन का समप्रासारी है, तो ए का क्या निकालना है, अणुभार निकालता है। तो अपन को देखा गया चार प्रतिशत यूरिया विलयन का प्रासन दाब पाई वन मान लेते हैं, बराबर क्या है, कार्बनिक यौगिक ए के बाद प्रतिशत विलयन के प्रासन दाब के बराबर पाई टू। ठीक है, तो इसको पाई वन पाई टू हो जाएगा। अपन को पता है पाई बराबर क्या था, डब्ल्यू एम ए गुणा वी आर टी। ठीक है दोस्तों, इसके पास अब अपन को क्या है, पाई वन का मान निकालेंगे। जो भाई दोस्तों क्या है कि जो एम ए का मान चार प्रतिशत दे रखा है, तो इसको अपन क्या है कि चार ग्राम मान ले, तो जो विलियन है उसका आयतन क्या होगा, सौ ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगेंगे, चार गुणा आर टी भाई डब्ल्यू हो जाएगा आर टी हजार, और ये अपना यूरिया का क्या है, अनुमान चलता है साठ होता है। ठीक है, गुणा सौ, और जैसे ही विलियन का सौ ग्राम मानेंगे तो क्या ऊपर क्या जाएगा, हजार आएगा। ठीक है, हो गया ये। अब अपन पाई टू निकालेंगे, पाई टू बराबर डब्ल्यू ए गुणा आर टी हजार एम ए सो। ठीक है, और अपन को पता है कि भाई क्या है, पाई वन बराबर क्या होता है, पाई टू होता है, इसलिए इनको क्या करेंगे, देखो चार गुणा आर टी गुणा हजार बटे साठ गुणा सो बराबर क्या हो जाएगा, बारह गुणा आर टी गुणा हजार बटे एम ए गुणा सो। इसे आर टी से आर टी कैंसिल होगा, हजार से हजार, सो से सो। ठीक है, देखो इधर ऐसे करते हैं तो ये संख्या इधर आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी तो कट जाएगा ना। ठीक है, तो अब भी बचा क्या, इधर चार बटे साठ, इधर क्या बचा, बारह बटे एम ए। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, एम ए का एम ए को इधर लेके आएंगे तो साठ ऊपर चला जाएगा, चार क्या जाएंगे नीचे चले जाएगा, तो बारह गुणा साठ बटे चार, तो इसको चार को काटेंगे, चार तीन बारह, तो एक सौ अस्सी ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे अनुसंगिक गुणधर्म के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ये क्या हुए, फिनिश पांच न्यूमेरिकल रखे थे, पांचों हो गए।